वेलकम टू न्यू व्लॉग। सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और गाइस, आज है डे 3 आपका। आज होगी ताड़का की एंट्री, ताड़का वध होगा आज, तो मज़ा आएगा बहुत। बने रहना एंड तक, रामलीला की वीडियो देखना पूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बता आपको लगातार वैसी रामलीला के हम तो आगे भी हमारी डेली व्लॉगिंग चलती रहती है और बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज वीडियोज़ भी करते हैं, इसलिए हम तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन दबा देना, बेल आइकन ऑल पे कर देना, और लाइक करो, कमेंट करो, सबको शेयर कर दो दोस्तों को अपना। और थोड़ी ठंड बढ़ चुकी है, कल रात को भी बारिश हुई, तो थोड़ा मैं भीग के थोड़ा जुकाम कोल्ड वगैरह हो गया, तो चक्कर में हुडी पहन रखी अपनी, वही प्रिंस तोमर व्लॉग वाली। चलो ग्राउंड पहुंचते हैं और आपको डायरेक्ट वहां जाके मिलते हैं और दिखाते हैं ताड़का वध, ठीक है? एंड तक बने रहना। चलो टेक केयर। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारा, दी हार्दिक स्वागत करती है। अभी थोड़ी सी देर में लीला का मंचन किया जाएगा। आपकी कृपा से हमने सभी वेदों, राजगीर इन सब की शिक्षा ग्रहण कर ली, परंतु अभी तक हमें शस्त्र विद्या के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जिस तरह हमें अपने बालकों को देखने की इच्छा थी, वैसे इनकी माताएं भी विचलित हैं। इन्हें राजमहल में ले जाइए। आज जब मैं राज्यसभा में गया और प्रजा की बातें सुना तो मुझे अत्यंत कष्ट, अकाल पड़ गया है। हमें शीघ्र ही कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जनता तहस नहस हो जाएगी। महाराज, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। चलिए हम अपने गुरुदेव के शरण में चलते हैं और उन्हीं से कुछ उपाय पूछते हैं। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मिथिला के कष्ट के निवारण का उपाय बताइए। ज्योतिष का गणना जो है उसके अनुसार मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। एक सोने का सुंदर सा हल बनवाएं और आप अपने और महारानी सुनैना के हाथ से अगर मिथिलापुरी में हल चलाएं तो मेरा ज्योतिष कहता है कि इस कष्ट का निवारण अवश्य होगा, इंद्रदेव अवश्य कृपा करेंगे। महाराज, राजा का धर्म है कि वो प्रजा की सेवा करे। यदि आपकी यही आज्ञा है तो जनक सहकार भी करेगा, जिससे मेरी प्रजा सुखी हो जाए।
सुने ना, मुझसे इस मिथिला का कष्ट देखा नहीं जा रहा। आज जब मैं गुरु के चरणों में गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि यदि मैं और तुम अपने हाथों से हल चलाएंगे तो मिथिला का कल्याण हो जाएगा। अब मैं, चलो मेरे साथ, मैं हल चलाऊंगा जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो जाए। मुझे ज्ञात हुआ है अयोध्या नरेश
महाराज दशरथ के यहाँ चार पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं चाहता हूं और उनसे राम और लक्ष्मण को मांगता हूं। आवश्यकता मेरी थी इसलिए मैं स्वयं आया। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। हम ऋषि मुनि जंगलों में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मैं जब भी अपना पूजा और यज्ञ प्रारंभ करता हूं, मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अरे मैं जब यज्ञ करता हूं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट करते हैं। उनसे युद्ध करे तो धर्म हानि और लज्जा है। संभाल लेकर के लड़ूंगा नहीं, यह प्रण भी मेरा। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे आप कुछ दिवस के लिए मुझे अपने राम और लक्ष्मण सौंप दीजिए। क्या हो गया राजन? मेरी बातें सुन करके आप चिंतित हो गए, आपके ललाट पर चिंता की रेखाएं पर लक्षित हो रही है। ये मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निवर, विद्या नहीं जानते वो, पढ़ने में अभी ये सब देना तुझमा। क्या हो तो मैं चला दशरथ, मैं याचक की भांति तुम्हारे पास आ गया तो तुम मुझे यह सब सुना रहे हो। दशरथ जैसे ज्ञानी को बच्चों की है इतनी ममता, अरे जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता। अरे उपकार संत का करने में, अरे उपकार संत का करने में इतनी बातें इतनी अड़चन, दो दिन को उनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन। अरे तो छोड़ देते अपना आसन, विष्णु से भी मैं कह देता तो छोड़ देते सिंहासन। मैं वही विश्वामित्र हूं जिसने तेरे पूर्वज हरिश्चंद्र को डोम के घाट पे ले जाकर के भेज दिया। मैं चाहूं तो मैं तेरे इस राजपाट को अभी तैस तैस कर दो। नरेश को समझाइए यह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, मुझे इसे मेरी क्रोधाग्नि से बचा लीजिए। शांत ऋषिवर शांत, मैं समझाता हूं राजन। आपके राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, आप इनको साहस
दीजिए और इनकी यज्ञ की रक्षा कराइए, इसमें आपका यश बढ़ेगा और उनको गुण मिलेगा। मेरे प्राण सुन दो, अपने यज्ञ पूर्ण करने के लिए आप गुरु की सहायता चाहते हैं और गुरुदेव का भी यही आदेश है कि आप उनके साथ जाएं। तो आपने इनका हाथ ना, ये बालक होने वाले हैं, ये विकराल याद रहे भगवान मेरी ना रोट पाले। गुरु भाई एक मार्ग पर हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस कार्य के लिए तुम इस तरह पे अवतार लिए हो, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक दूसरा मार्ग भी है, जिस पे निशाचर वहां निवास करते हैं। तुम बताओ किस मार्ग से चलना चाहते हो? हे गुरुदेव, जिस मार्ग पर निशाचर निवास करते हैं हम उसी मार्ग से चलेंगे। उनकी रक्षा करना है भैया, आइए। Thank you.
तारक बन को तुमने तारका से मुक्त कर दिया। ये कैसा है गांव संता? अरे
यहाँ करो। सुनिए महाराज, ऐसा काम कीजिए ना, रोने से तो सब कमजोर हो जाता है, हम भी कमजोर हो जाएंगे, आप भी कमजोर हो जाएंगे। ये दो चार आदमी को रोने के लिए पैसे पर रख लीजिए, रोएगा। चाची तो आपको 9 महीना पेट में रखी थी ना, साथ आप चाची को हम लोग सदैव के लिए रख रहे। वो कैसे? ये ऐसे चारों टांग का पौवा हो जाएगा खटिया के सोने के लिए, और मांस तो हो जाएगा वो चखना के लिए। और चमड़ा जो है वो सलाम के हौज में बैठने काम आ जाएगा। तुम्हारी गर्दन बताइए, तुम को कुछ नहीं कहेगा, तुम दूत हो, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। हमको कुछ नहीं कहेगा ना? नहीं कहेगा, मैं हूँ ना। हाँ, तो जाओ तुम, उसके लिए मैं भी काफी हूँ। जय शंकर की जय। ऐसा प्रतीत होता है ये तारका के कुछ संबंधी आ रहे हैं, इसलिए गुरुदेव से यह किसी रक्षा करना मैं ही देख रहा हूँ। राजकुमार? हाँ। ये कौन राजकुमार लाया है? पता नहीं महाराज, वो अपना एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण लक्ष्मण। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ सरकार, वही मारा है। गाना गाड़ी कर सकता। अब मुझे लेकर चलो। चलिए सरकार। यही है
ईश्वर, ये विश्वामित्र और ये दोनों बालक कहाँ से जाएंगे? वो बुढ़ा को देखते हैं। ये तो बालक है भैया हमारी, इनके लिए तो हमारे योद्धा ही काफी हैं। जाओ सेना। तुम्हारा नाम इस जगत में लोग आदर से लेंगे। तुमने आज मेरे यज्ञ को पूर्ण करवाया है यशस्वी भव।